हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कमरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं हर्ब्स का इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चूने के बारे में। जो चूना पान के अंदर भी डालकर खाया जाता है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना को टाइम खराब किए हुए, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखें कि आप जिस चूने का सेवन करें वो चूना शुद्ध किया गया हो। आप जिस भी दुकान से चूना लेकर आए, यह बात सुनिश्चित कर लें कि उसको पूर्ण रूप से शुद्ध कर लिया गया हो। दूसरी बात, इसका सेवन ज्यादा मात्रा में कभी भी नहीं करें। जो आपका यह मुंह काटेगा वो एक बात अलग है, वो बात तो सबको पता है, हम उस बारे में आज यहां पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो चूना है, यह एक बहुत अच्छा एंटासिड है। जिन लोगों का पेट खराब हो जाए, जिन लोगों को लूज मोशन लगे हों, उन लोगों के लिए चूना एक बहुत अच्छी दवा है। लेकिन अगर वो इसका इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में करेंगे तभी। अगर इसका इस्तेमाल आप ज्यादा मात्रा में करेंगे तो फिर उल्टा आपका पेट और ज्यादा खराब हो जाएगा। चूने की पीएच अल्केलाइन है। जब आपके पेट के अंदर तेजाब तेज हो जाते हैं उस वक्त आपको दिक्कत आती है, तो अगर आप चूने का सेवन करेंगे तो ये उन तेजाबों को न्यूट्रलाइज कर देगा और उनको स्लो डाउन कर देगा और आपका पेट ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसका सेवन ज्यादा मात्रा में करेंगे तो क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके अंदर कैल्शियम भी मौजूद है, तो फिर कैल्शियम की बढ़ोतरी होने की वजह से उस कैल्शियम को संभालने के लिए आपका लिवर और ज्यादा तेजाब छोड़ेगा और आपके अंदर तेजाब की क्वांटिटी उल्टा कम होने की बजाय और बढ़ जाएगी। तेजाब न्यूट्रलाइज होने की बजाय और तेज हो जाएगा और आपका पेट और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, इसका सेवन बहुत कम मात्रा में करें तभी आप ठीक होंगे, नहीं तो ये आपको दिक्कत करेगा। आपने देखा होगा कि पान वाले इसको कितनी कम मात्रा में पान के पत्ते के ऊपर लगाते हैं। आप भी इसका सेवन इससे ज्यादा नहीं करें। अगर आपको दिक्कत ज्यादा हो तो आप दो दो घंटे के अंतराल के बाद इसका सेवन कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन एकदम से एक बार में ही इसका सेवन ज्यादा नहीं करें। तो आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।